कि गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया केवल ग्रंथी सिंह ही बैठ सकता है? तो ये सवाल जड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तो कई बारी ये सानू रहत मर्यादा का भी जड़ा है वो सहायता लेनी पैंदी है कि सानू सिख रहत मर्यादा इस बारे सानू की गाइडेंस दिंदी है, की गाइडलाइन दिंदी है। तो मैं बेनती करांगा भी जगीर सिंह जी नू इस सवाल का सानू जो खोल के जवाब समझाउन के गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया विच कौन बैठ सकता है, इस बारे वीर जगीर सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह वीर जी ने दस्या है भी सवाल है साडा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया केवल ग्रंथी सिंह ही बैठ सकते हैं जी। ये बारे विचार ये है कि सिख रहत मर्यादा के अनुसार जी दीवान समय संगत विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया केवल सिख जिदे विच मर्द जां तीवी इस्त्री ही बैठन दा अधिकारी है। ये भी लिखा है भी संगत नू पाठ केवल सिख ही करके सुनावे। एक थां ते ये भी लिखा है भी नाल लिखा अपने आप लई पाठ कोई भी गैर सिख भी कर सकता है। कीर्तन बारे भी लिखा है भी संगत विच कीर्तन केवल सिख ही कर सकता है। सो सानू इन्हां गल्लां ध्यान रखना चाहीदा है भी जो संगत दे विच बैठना तां सिर्फ सिख ही मर्द होवे चाहे स्त्री होवे कोई भी बैठ सकदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह वीर जगीर सिंह जी ने सानू रहत मर्यादा दे विचों जोड़ी है कोटेशन दे करके सानू दस्या है कि जिस वेले दीवान लग्या होवे तां उत्थे केवल ग्रंथी सिंह जिहड़ा है ओह महाराज जी ताबिया बैठे, क्योंकि उस वक्त उसका जो दर्जा है वह गुरु साहब के वजीर का है, और इस करके उसने जो उपदेश रूप में जो हुक्म जो सरवण करवाना है संगतों को उस वास्ते उसकी जी है वह खास ड्यूटी होंगी है। तो इस करके दीवान दे विच जो पाठ करना है या उत्थे कोई कथा विचार करनी है वह केवल जी है वह जो ग्रंथी सिंह है उ महाराज ताबिया बैठे, तो यही सानू जी सह रहत मर्यादा जी है वो गाइडेंस मिलती है। हाँ प्राइवेट तौर के उपर किसी ने सहज पाठ रखा है तो वह अलग अपने कमरे के अंदर जिते महाराज का प्रकाश हो बैठ करके पाठ कर सकता है, गुरबाणी की विचार कर सकता है, सहज पाठ कर सकता है, तो उस बारे कोई रुकावट नहीं है। तो ये जो सिख मत है यह सारे वास्ते है, सारे सांझे तौर के उपर गुरु ग्रंथ साहब के जोड़े हैं गुरु साझे हैं सारे दे, लेकिन जित तक दीवान की गल है दीवान के केवल जोड़े ग्रंथी सिंह वो ही महाराज जी ताबे के बैठा करन। वीर जगीर सिंह जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जी ने इस पॉइंट क्लीयर किया है।